माध्यम से हमने बनाई, मुझे धन्यवाद देना पड़ेगा कि आपने जो बताया हम लगातार करते जा रहे हैं। जो जो कर सकते उसी प्रकार से कर, इन नीतियों का क्रियान्वयन ठीक से करना, सरकार के बीच में बार बार ये संवाद चलाना, लगातार इसमें इन्वॉल्व रहना, हमारे माध्यम से आपके माध्यम से जो हमने ऐसे ऐसे सेक्टर किस किस सेक्टर में बढ़ सकते हैं उसकी बात करना, अन्यथा सरकार को कहां फुर्सत होगी इन सारी बातों को करने की। सरकार को सरकार चलाने के लिए वोट लाना, वोट ला के चुनाव जीतना, चुनाव जीत के फिर अगली सरकार में लग जाना, ये दो ही तो रास्ते हैं। एक सरकार बनी, अगली सरकार की बात करो, लेकिन बनी हुई सरकार को, शासन को सुशासन में बदलना, जवाबदेही के साथ करना, और ये हमारे आपके नहीं, हमारे यहां अति परंपरा थी। सम्राट विक्रमादित्य तो 32 पुतली वाला सिंहासन, विक्रमादित्य का सुशासन राम राज्य की याद दिलाता था, राजा भोज का सुशासन सबको याद है, और ये नहीं, ऐसे कई नाम है, सम्राट अशोक से लेकर कई नाम है जो शासन के सारे सूत्र, अरे लोग हमसे सीखने आते थे, दुनिया में कहां कोई ऐसा सिखाने वाला था। अर्थशास्त्र के मामले में चाणक्य के बारे में क्या कहा जाता सबको मालूम, हमारे यहाँ बड़े बड़े नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उज्जैन का सांदीपनी आश्रम, ये गुरुकुल हमारे यहाँ पुरानी परंपरा है, ये नई भी नहीं, लेकिन नजरअंदाजी कारण से, अपनी इस ताकत को खुद न पहचानने के कारण से ये जो दुर्दशा हुई थी, परमात्मा की दया से वापस सुशासन के लिए माननीय मोदी जी की सरकार बनी है, और मोदी जी की सरकार नहीं बनी, एक तरह से प्रजातंत्र की अपनी ताकत को पहचानने का एक यज्ञ चल रहा है, उसमें ये आहुतियां डल रही है, इन आहुतियों के माध्यम से हमको उसकी सुगंध भी आ रही है और उसकी ताकत भी हम जानते हैं, निश्चित रूप से हम सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय।